क्वेश्चन नंबर 15 यह है आपके सबसे पहले तो इसमें सवाल दे रखा है इसमें आपको 10 प्रिपेंस है क्या करना क्वेश्चन करना है और साथ में आंसर पुनः खरीदी करनी तो क्वेश्चन करना है क्वेश्चन करने के लिए अगर आप लाल की व्यवस्था करनी है तो याद से कर सकते अगर आपने पहले प्रिपेंस खरीद रखे किससे प्रीमियम से फिर आंसर के पुनः खरीद की ये एंट्री है स्वयं प्रिंट पत्र खरीदने की और ये प्रीमियम को राइट ऑफ करने की सबसे पहले वो शोधन करने की एंट्री शोधन करने के लिए पहले क्या करेंगे हम व्यवस्था करेंगे कहाँ से व्यवस्था करेंगे पहले सीआरआर से कहीं से व्यवस्था कर लो कोई यहाँ से व्यवस्था कर लो इसी से कर लो व्यवस्था तो क्या रहेगा आपके रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डीआर तो क्या हो जाएगा आप चाहो पहले प्रीपेंस से पहले होल्डर की एंट्री कर सकते हो सिंपल शोधन की एंट्री करनी है तो आ जाएगा प्रीफ्रेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर कितना देगा आपके 75 लाख अब पहले व्यवस्था करेंगे पूंजी की तो पूंजी व्यवस्था कहां से करेंगे हम यहां से रेवेन्यू रिजर्व से तो क्या हो जाएगा आपके रेवेन्यू रिजर्व या फिर कैपिटल जो होगी नहीं कभी व्यवस्था करते हैं कैपिटल कभी नहीं होगी और प्रीमियम से भी कभी नहीं होती केवल एक रिजर्व बचा है तो यहां से करेंगे हम रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डीआर टू सीआरआर कितना हो जाएगा आपके 75 लाख व्यवस्था हो गई अब पेमेंट कर दो एंट्री क्या हो जाएगी आपके प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर अकाउंट डीआर टू क्या हो जाएगा आपके बैंक कितना हो जाएगा 75 लाख यहां भी और 75 लाख यहां भी आप चाहो तो इसके स्थान पर ये जो दे रखा है इसके स्थान पर आप एक एंट्री भी कर सकते हो ये हटाकर प्रीफ्रेंस कैपिटल टू बैंक कर सकते हो यहां तो की है आपने पहले न्यू एंट्री की है फिर आपने व्यवस्था की और फिर बाद में पेमेंट कर दिया फिर दूसरा है आपने अब शेयर जो पुनः खरीद तो पुनः खरीद की एंट्री हो जाएगी आपको सबसे पहले आएगा आपके इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर इसमें मतलब इसमें आएगा आपके फेस वैल्यू अंकित मूल्य आएगा अंकित मूल्य कितना है 50 × 10 ये हो गया आपके 5 लाख फिर है 10 का शेयर 50 खरीदा मतलब 40 में क्या आया आपके सिक्योरिटी प्रीमियम तो लिखेंगे हम यहाँ पर प्रीमियम ऑन बाईबैक पुनः खरीद पर प्रीमियम है तो लिखेंगे प्रीमियम ऑन बाईबैक कितना हो जाएगा आपके 20 लाख टू अब इसमें है आपके क्या करना है इसको पैसे देने हैं बैंक तो लीजिए टू बैंक ये दे रखा है आपके इक्विटी कैपिटल ये प्रीमियम का फिर आपके बैंक लिखो तो राइट है कैपिटल रिजर्व लिख सकते कैपिटल रिजर्व दे रहे हैं 15 लाख तो हमारे पास बैंक लिखो क्योंकि इतना पैसा नहीं है कैपिटल रिजर्व में तो आप क्या लिखोगे बैंक लिखो तो आ जाएगा टू बैंक कितना आ जाएगा आपके 25 लाख अब इस जीरो को राइट ऑफ करना है राइट ऑफ कितना करेंगे हम 5 लाख तक करेंगे क्योंकि इसमें नियम है कि अगर आप धारा कौन सी लगती है सेक्शन लगता है आपके 77A विस्तार से देख लेना उसमें लिखा है नियम के अनुसार जो दे रखा है उसका 25% क्या करते हैं हमेशा प्रीमियम ट्रांसफर करते हैं अब कहां करेंगे इसमें कर लो यहां लिखेंगे हम रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डीआर टू सीआरआर जितना प्रीमियम है 20 लाख का प्रीमियम है तो उसका 25% हम कहां लेंगे यहां ट्रांसफर करेंगे तो कितना होता है आपके 5 लाख होता है ये धारा लिखेंगे ये धारा में देख लेना ये हो जाएगा आपके 5 लाख मतलब सीआरआर खुले हमने यहाँ क्या 75 लाख का और यहाँ क्या 5 लाख का तो हो गया आपके 80 लाख सीआरआर में कितने जाएंगे आपके 80 लाख जाएंगे